अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल। आज का जो टॉपिक है क्लास फिफ्थ के लिए मैथ्स का, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी का भी, जैसे कि नेचुरली हम जब हम घर के आंगन में बैठते हैं, आंगन में हम कोई भी शेप बना सकते हैं आंखों से ही, और उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक है आज का ज्योमेट्री में, इसमें मैंने कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हैं। पहले आपको वो क्लियर होनी चाहिए कि उनका मतलब क्या है। पहली जो है लाइन, लाइन का मतलब है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम बोथ साइड्स। इज कॉल्ड ए लाइन। एग्जाम्पल मैंने यहां पर दी, लाइन वो होती है जिसको हम दोनों साइडों से खींच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये छड़ी है, ये मान लीजिए ये एक लाइन है, लेकिन इस छड़ी को हम यहां पर भी कुछ लगा सकते हैं, यहां पर भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे ये दोनों साइड से क्या बढ़ेगी, उसको बोलते हैं क्या लाइन। इसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब हुआ विच हैव टू साइड्स, या विच हैव टू एंड पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो। टू एंड पॉइंट्स मतलब हुआ यहां पर ये एक एंड पॉइंट है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी में हम खाली एक लाइन डाल सकते हैं, वो होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या हुआ, जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। रे, इसके बाद रे, रे हुआ विच है वन एंड पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट से कोई स्टार्ट लाइन हो उसको बोलते हैं रे। एग्जाम्पल में यहां दी, ये स्टार्ट पॉइंट है ए, इसको हम यहां से बढ़ा सकते हैं, कितना भी आप बढ़ाओ लेकिन एक ही साइड से ये क्या बढ़ सकती है, वो होती है रे। इसके बाद है पॉइंट। पॉइंट हुआ फिक्स्ड लोकेशन, जैसे कि मैंने यहां पर ये मान लीजिए प्लेन है, यहां पर मैंने पॉइंट डाला, ये हुआ पॉइंट, ये है फिक्स्ड लोकेशन। फिक्स्ड लोकेशन मतलब हुआ इस पॉइंट से आपको जो भी करना है पॉइंट से करना है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी काम का, वो होता है क्या फिक्स्ड लोकेशन। इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो तीन हो या तीन से ज्यादा हो, लेकिन जो एक ही लाइन पर आ सके। कोलिनियर पॉइंट्स थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यहां पर भी मैंने इसकी एग्जांपल यहां पर दी है, ये लाइन है, इस पर मैंने ए बी सी डी कितने भी पॉइंट्स हो, लेकिन वो एक ही लाइन पर आनी चाहिए। इसके बाद है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपस में क्या है इनवर्स में। कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन पर पॉइंट्स आ जाए, और नॉन कोलिनियर हो जो एक ही लाइन पर ना आए, उनको बोलते हैं क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी भी एग्जांपल मैंने यहां पर दी, ए बी सी तीनों डिफरेंट वेज में है, तो एक ही लाइन पर नहीं है। इसके बाद है प्लेन। प्लेन वो फ्लैट सरफेस होती है जो हर साइड से क्या होगी एक्सटेंड। इसकी भी एग्जांपल मैंने यहां पर दी है, फॉर एग्जांपल बोर्ड भी आप इसकी एग्जांपल ले लो प्लेन की। ये जो बोर्ड है इसको हम यहां से भी कुछ जोड़ सकते हैं, यहां से भी कुछ जोड़ सकते हैं, यहां से भी कुछ जोड़ सकते हैं, वहां से भी कुछ जोड़ सकते हैं, चारों साइड से ये एक्सटेंड होगा, लेकिन ये होता है क्या प्लेन। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है नोट्स पर, जो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सामने रखकर आप उन पर देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, वो है ड्रा द फॉलोइंग। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हमने डालने हैं। उसमें पहले इसने बोला है कि आप पॉइंट डालो, पॉइंट बी, पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोला फिक्स्ड लोकेशन, आपको पॉइंट डालना है, उसका नाम रखना है जो इसने बोला है वहां से। दूसरी है लाइन ए बी, ए बी लाइन आपको डालनी है, लाइन मैंने पहले ही बोला, लाइन वो होती है जो बोथ साइड से एक्सटेंड होती है। उसके बाद ये रे स्पी क्यू, रे भी मैंने आपको बोला कि रे वो लाइन होती है जो एक साइड से एक्सटेंड हो, यानी कि जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो। इसी तरह आप नोट्स पर आप खुद देख सकते हो और वो लाइंस आप डाल सकते हो। इसके बाद है एंगल। एंगल किसको बोलते हैं, टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। दो रे का जो एंड पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट दो रेज का, वो होता है एंगल। फॉर एग्जाम्पल एंगल हम बोल सकते हैं, ये जो एंगल है, एंगल हम ऐसे डालते हैं, ये है एंगल। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, इनका जो बी ए और बी सी का जो कॉमन पॉइंट है वो है पॉइंट बी। यहां से ये दो रे
निकलते हैं, लेकिन इनका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? बी। तो इसको बोलते हैं क्या? एंगल। इसके बाद है नेम मीन एंड एंगल्स। अब हम जब हमें एंगल का नाम देना होता है वो आपको याद रखना है। यहां पर मैंने एंगल बनाया ए बी सी। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, या ऐसे लिख सकते हैं बी सी ए, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, या ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी। ये चार तरीके हैं, चार तरीकों से हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें खाली दो ठीक है नेमिंग एंड एंगल्स के बारे में। इस एंगल का नाम देना है, एंगल कहां पर बनता है? एंगल बी पर बनता है। लेकिन ये बी जिस जहां पर बीच बीच में आया है ना, वही वाला ठीक है। यहां पर बी बीच में है, यहां पर भी बी बीच में है, यहां पर इन दोनों में बी बीच में नहीं है, यहां पर बीच में सी है। इसका मतलब हुआ तब सी पर एंगल बनना होगा। यहां पर ए बीच में है, इसका मतलब हुआ अगर ए बीच में आता तब ए ठीक था वो, लेकिन यहां पर एंगल असल में कौन है? ए बी सी या सी बी ए। तो ये जो दो है ये ठीक है, ये दो तरीके से हम इसका नाम बता सकते हैं, लेकिन ये जो दो तरीके हैं ये गलत है एंगल के बारे में। एंगल हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जिस एंगल का भी आपको नाम देना होगा वो एंगल बीच में आना चाहिए, जैसे यहां पर बी बीच में आया और यहां पर भी बी बीच में आया, इसको बोलते हैं एंगल, नेम ऑफ एंगल्स। इसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ये जो सारे एंगल है यहां से इंटीरियर हुआ जो इस एंगल के अंदर साइड में आए, इंटीरियर हुआ जो, एक्सटीरियर हुआ जो बाहर है, वो हुआ क्या? एक्सटीरियर। इसी तरह अब आपको एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, वो भी आपको वहां पर एंगल्स के नाम आपको बोलने हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्या है? एक्सरसाइज 7.2 में पहला है नेम द एंगल्स गिवन बिलो। नीचे जो एंगल्स है उनके नाम आपको देने हैं। उसमें जो ए पार्ट है, ए पार्ट में इसने ऐसी फिगर बनाई है, ए बी सी, पहली फिगर ऐसी है। तो यहां पर हमें एंगल का नाम बोलना है। यहां पर मैंने ये भी बोला आपको कि एंगल का नाम जब हम देते हैं, जहां पर एंगल बनता है वो नाम के वक्त बीच में आना चाहिए। तो एंगल बी पर बनता है तो इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। बी बीच में आया तो ये इसका नाम है। वैसे भी आप लिख सकते हो सी बी ए, क्योंकि एक ही नाम देना है तो एक ही मैंने लिखा है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर टू जो है नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वहां पर भी फिगर आपको गिवन है, लेकिन वहां पर फिगर कुछ डिफरेंट है, तो वहां पर आपको देखना है कि कितने एंगल्स वहां पर बनते हैं, उन एंगल्स के नाम आपको बोलने हैं। क्वेश्चन टू में जो ए पार्ट है इसका फिगर में बनाऊंगा, यहां पर फिगर ऐसे बनी है, ऐसी फिगर बनी है ए बी सी। तो यहां पर नाम है ओ। यहां पर हमें खाली उन एंगल्स के नाम देने हैं जो इस पर बनते हैं। मैंने पहले बोला ये शायद यहां पर दो तीन एंगल्स बनते हैं, लेकिन जब एंगल का नाम आप दोगे ओ पर एंगल बनते हैं, तो ओ कब पर आना चाहिए? बीच में। तो पहला हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ओ बीच में आया, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल इसमें आ गया, ये वाला छोटा वाला, खाली ये वाला। इसके बाद जो दूसरा एंगल है वो है एंगल बी ओ सी, या सी ओ बी भी आप लिख सकते हो, बी ओ सी, बी ओ सी, यानी कि अब ये वाला एंगल बना बी ओ सी, ये नीचे वाला एंगल बना है। अब तीसरा कौन है? तीसरा है एंगल ए ओ सी, तीसरा है ए ओ सी। ए ओ सी सारा हुआ, बीच की लाइन आप काटो, बीच की लाइन आप मान लीजिए नहीं है, तब बचा ए ओ सी, ये सारा बड़ा एंगल जो है, बस ये तीन एंगल्स इसके बनते हैं जिनके नाम्स मैंने यहां पर लिखे हैं।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई है आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड हुआ जो बाहर है एंगल के, इनसाइड हुआ जो इंटीरियर है वही हुआ इनसाइड, और आउटसाइड हुआ एक्सटीरियर। फिगर वहां पर बनी है, पहले ही मैंने बोला एक्सटीरियर हुआ जो एंगल के बीच में हो, अंदर हो। इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर हुआ जो बाहर हो, इंटीरियर हुआ जो बीच में हो। इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द नेम्स ऑफ एंगल्स वर्टेक्स एंड साइड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो फिगर है हमने बोला है एंगल कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स मतलब वो कॉर्नर कोना जो होता है, और तीसरा है साइड्स कितने हैं। पहला पार्ट है वहां पर फाइव का, क्वेश्चन फाइव का जो पहला पार्ट है वो है फिगर में यहां पर बनाऊंगा। फिगर ऐसी बनी है, फिगर है एम ओ और है एन। यहां पर इसने पहले बोला है नेम ऑफ द एंगल वर्टेक्स एंड साइड्स। पहले हम एंगल्स बोलेंगे, एंगल कौन सा है, इसमें एंगल कौन सा है। इसके बाद वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स मतलब बोला कॉर्नर कोना, और तीसरा है साइड्स कितने हैं, इसके जो साइड्स है वो कितने हैं। तो एंगल जो है, एंगल मैंने पहले बोला एंगल के नाम बीच में है, एंगल आप लिख सकती हो एम ओ एन या एन ओ एम, वैसे मैं लिख सकती हूँ एंगल एम ओ एन, एक ही नाम देना है बस, या एन ओ एम बीच में आना चाहिए वो बस। और जो वर्टेक्स है कौन है, कोना है ओ कॉर्नर, और जो साइड से दो एम ओ साइड है, और दूसरा कौन है ओ एन या एन ओ भी लिख सकते हो। तो ये आपका दूसरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।